तो नाश्ते में चाउमीन बन गया और यहाँ पर थोड़ा सा पायल के लिए मैंने पैक कर दिया है। पायल को जाना है ड्यूटी एग्जीबिशन में और यहाँ पर दो मिठाई तो पायल का यहाँ पर थोड़ा सा लंच हमने तैयार कर दिया है और बाकी सबके लिए यहाँ पर मैंने कटोरी भी निकाल दिया है। ये अब दे आते हैं पायल को। अपना नाश्ता भी लेकर चली आई हूँ, नाश्ता करती हूँ। सुबह सुबह चाउमीन, पायल को बाहर जाना है आज ब्यूटी एग्जीबिशन में, तो इसीलिए सुबह सुबह उठी है और फटाफट से आज वही बनाई है नाश्ता। मैं बाकी का सारा काम की, वो तब तक नाश्ता बना ली। तो सभी को देने के बाद मैं भी लेकर बैठती हूँ, नाश्ता करती हूँ। मेडिसिन वगैरह सारा ले चुकी हूँ, अब नाश्ता करती हूँ। बहुत बहुत गर्मी है सुबह सुबह, ये जो गर्मी है, यहाँ से मेरे रूम में जो सनलाइट आता है बहुत ज़्यादा तपता है सुबह सुबह। मेरा सुबह से जो स्टार्ट हो गया, मेरा रूम सारा दिन तपता रहता है, इतना गर्म हो जाता है ये रूम। और चाय पिए उससे पहले एक ज़रूरी बात, बहुत ही खास हुआ करता था आज का ये दिन, आज का ये तारीख, लेकिन अब इस दिन को, इस तारीख को ऐसा कलंकित कर दिया गया है, ऐसा इसमें दाग लगा है कि अब ये डेट आने पर बिल्कुल भी हमको अच्छा नहीं लगता है। इस डेट के साथ बहुत ज़्यादा इमोशंस जुड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स जुड़ा हुआ था और इसमें हमको धोखा मिला। तो अब पता नहीं क्यों जब भी आता है फिर से वही चीज़ याद आ जाता है जो मेरे साथ हुआ था और फिर से वही इमोशंस का सत्यानाश हो जाता है। वही आज का दिन खास था, आज का तारीख खास था, लेकिन इस तारीख को किसी ने गंदा कर दिया और ये अब कभी भी सही नहीं हो सकता है। बहुत ज़्यादा मैं इसके साथ जुड़ी हुई थी, तो ज़्यादा अब कुछ नहीं बोलना है। जो भी हुआ मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ और मेरे इमोशंस को रौंदा गया, उसे कत्ल किया गया। चलिए कोई बात नहीं, ये भी किस्मत मान लेते हैं, मेरे किस्मत में यही था। ज़िंदगी में तो कभी खुशी मिला नहीं, लेकिन एक नकली खुशी लेकर मैं जीती थी, उसने भी एक ऐसा दाग लग गया कि अब फिर वो खुशी लौट कर नहीं आ सकती। बहुत भारी हमसे धोखा किया गया है। मुझे ये बात किसी से बोलना नहीं था, कोई ये सुनकर भी क्या करेगा। मेरे इमोशंस है तो कभी कभी बाहर आ ही जाते हैं, तो वही थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। और चलिए कोई नहीं, चाय पीते हैं। कहाँ जा रही हो? मेकअप इवेंट में। फुल लुक दिखाओ। वाओ, सो ब्यूटीफुल। ठीक से जाना, रख लियो टिफिन। तो आज सिंपल झटपट वाला खाना, आलू दम और भात, आज यही लंच में बना है। सिंपल सा खाना, फटाफट से बन गया खाना। अब चलते हैं, नहा लेते हैं, भात भी उतारेंगे थोड़ी देर में। सब्जी तो रेडी हो गया है। बहुत कम तेल मसाले में मैं बनाती हूँ कोई भी सब्जी या फिर नॉन वेज हो, क्योंकि निखिल को खाना रहता है, उसके लिए हार्म ना हो, कोई खराबी ना करे, तो कम तेल मसाला डालती हूँ। भले ही कलर इसका ख़राब दिखे, लेकिन खाने में कोई भी खराबी नहीं होता है, खाने बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो सब्जी हो गया है, इसे ऑफ करते हैं और भात का तैयार करते हैं। हो जाएगा तो इसका मार निकाल कर इसे पसा लेंगे। तो चलिए सब्जी को दूसरे बर्तन में निकालें। कहाँ गई थी?
क्या लाई? तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और थोड़ा सा हमने कपड़ा वगैरह पहन लिया है, थोड़ा सा मार्केट चलते हैं, कुछ खा पी कर आते हैं, कुछ खरीद कर आते हैं। बाहर निकलने का मन तो नहीं हो रहा है लेकिन थोड़ा सा ज़रूरी काम है इसीलिए जाना पड़ेगा, तो चलते हैं कुछ खरीद कर खा पी कर आते हैं घूम फिर करके। और ये थोड़ी सी उंगलियों में मेहंदी मैंने लगाई है, वो भी आज ही लगाई है। और ये पूजा वाली चूड़ी है जो हमने रामनवमी को चढ़ाई थी, तो आज मैंने पहन लिया, पूजा का प्रसाद है। तो कुछ इस तरीके से मैं तैयार हुई हूँ, चलती हूँ मंदिर भी थोड़ा जाएंगे और कुछ खरीद कर खा पी कर चले आएंगे। तो चलिए चलिए घर आकर मिलते हैं, कोई भी ब्लॉग नहीं बनाएंगे।